गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जो साफ्ट माइनिंग चलती है, यानी कि साफ्ट में जो केज जो चलती है, वो साफ्ट के केज के साथ बहुत सारे एप्लायंसेस लगे होते हैं। फ्रेंड्स, उस एप्लायंसेस में एक मुख्य एप्लायंसेस रहता है सेफ्टी हुक। ये मैं साफ्ट बनाया हूँ और ये जो है केज बनाया हूँ। इस केज के साथ केज चेन लगे रहते हैं, केज चेन लगे रहते हैं और केज चेन के साथ ट्रेंगुलर प्लेट रहती है, ट्रेंगुलर प्लेट रहती है। इस ट्रेंगुलर प्लेट के साथ डी लिंक लगा रहता है और डी लिंक के साथ फिर जो है सेफ्टी हुक लगी रहती है। और सेफ्टी हुक के साथ फिर डी लिंक लगी रहती है और डी लिंक के साथ रोप के पल लगी रहती है, रोप के पल के साथ रोप लगी रहती है। तो ये पूरी जो असेंबली है जो कि हेड गियर कहलाती है, हेड गियर सस्पेंशन गियर, हेड गियर नहीं सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर। तो यहां पर हम इसका वर्क बताने वाले हैं जो सेफ्टी हुक है। सेफ्टी हुक ये ओवरवाइंड जब हो जाती है, ये जो है पीच टॉप है, ये पीच टॉप है, पीच टॉप यानी कि डोली में चढ़ने उतरने की जगह, और ये साफ्ट है जहां से डोली नीचे ऊपर आती जाती है। तो यहां पर आप ये देखिएगा कि जब ओवरवाइंड हो जाती है, यानी कि ये रस्सा जो है ज्यादा ऊपर चली जाती है पिच टॉप से, उसको ओवरवाइंड कहते हैं हम लोग। तो यहां पर जब रस्सा ज्यादा ऊपर हो जाती है तो यहां पर एक बेल प्लेट रहती है, जिसकी मैं कंस्ट्रक्शन अगर बताऊं तो यहां पर अगर मैं इसको काट दूं तो इसके ऊपर में जो रस्सा जो होती है उस बेल प्लेट से होके तो गुजर जाती है। मैं यहां पर अगर इसको बना दूं तो यहां से ये रस्सा तो होकर के ये मान चलिए बेल प्लेट है, ये फ्रेम के साथ लगा हुआ बेल प्लेट है और इस बेल प्लेट से होकर के रस्सा और पूरी असेंबली तो गुजर जाती है, लेकिन ये जो फिन निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग फिन कहते हैं, सेफ्टी हुक का फिन, ये जब इससे होकर के पास होती है, इस बेल प्लेट को मैं अगर बनाने का प्रयास करूं, ये कहां पर बना दूं, ये पूरी सेक्शन को मैं अगर यहां पर बनाऊं तो ये बेल प्लेट में इस तरीके का होल रहता है और ये पूरी प्लेट हेड गियर के साथ अटैच रहती है। ये है डिटेचिंग प्लेट, ये जो है यहाँ पे डिटेचिंग प्लेट। तो इस डिटेचिंग प्लेट से ये सेफ्टी हुक जैसे ही पार होने लगती है, रोप तो पार हो जाती है जब एक्स्ट्रा वाइंड होता है, तो रोप पार हो जाती है, रोप केपल पार हो जाती है और डी लिंक पार होते हुए जैसे ही ये सेफ्टी हुक पार होने लगती है तो ये वाला पोर्शन इससे जाकर के टकराता है, ये वाला पोर्शन इससे जाकर के टकराता है, पार नहीं होने देता और नहीं पार होने देता, जिसके चलते इसकी ये जो फिन है ये अलग अलग और फैल जाती है तो यहां से जो कॉपर पिन होता है, सीयर पिन जिसको बोलते हैं, वो टूट जाता है और इसके सहारे जो बेल प्लेट रहती है, बेल प्लेट ये ऊपर की ओर खुल करके, रस्सा सहित ऊपर की ओर खुल करके बाहर निकल जाता है और जो अपना बेल प्लेट है, बेल प्लेट के ऊपर ये पूरा पोर्शन जो है टिक जाता है।
और इसके सहारे जो अपनी पूरी असेंबली है वो टंगी रह जाती है और इसमें जो खड़े वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, नीचे नहीं गिरते साथ में। इस तरह से जो डिटेचिंग प्लेट जिसको बेल प्लेट भी कहते हैं एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, एक मेजर एक्सीडेंट से बचाने का काम करती है फ्रेंड्स। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है जिसमें आपने समझा कि बेल प्लेट और सेफ्टी हुक किस तरीके से मेजर एक्सीडेंट को रोकती है शाफ्ट वाइंडिंग के दौरान, तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो चैनल है उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्सों अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आज की वीडियो क्लास में जो मशीनरी की जो क्वेश्चंस है जिसको मैं 80 नंबर का क्वेश्चन को अपलोड कर चुका था उसके आगे की क्वेश्चन को अपलोड करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो आप जो है इसकी जो वीडियो है उसको अगर नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए और ताकि उसकी कोई भी वीडियो जो है अपडेट नोटिफिकेशन उसकी पहुंचती जाए और आप उसका देख करके स्टडी कर सकें, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये दिखाता हूं जो क्वेश्चन नंबर 81 थी वो क्या कहती है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81। सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड मशीनरी 2021 का ये प्रश्न है जिसमें कहता है व्हाट आर द ऑडियो विजुअल अलार्म पावर सप्लाई यूनिट इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन एलएचडी एसडीएल। यहाँ पे एलएचडी का फुल फॉर्म लोड हॉल डंपर, एसडीएल का फुल फॉर्म साइड डिस्चार्ज लोडर। तो यहां पर ये दोनों के साथ जो इनपुट आउटपुट वोल्टेज जो ऑडियो विजुअल अलार्म लगी रहती है उसके साथ जो पावर सप्लाई होता है वो इनपुट वोल्टेज कितना होता है, आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, ये देखिए ये है ऑडियो विजुअल अलार्म जो एसडीएल एलएचडी के साथ लगी रहती है जिसकी फिगर मैं यहां पर ला करके दिखाया हूं कट पेस्ट करके। इसमें जो इनकमिंग वोल्टेज होती है वो 550/440/220/110/24 V AC जिसमें प्लस माइनस 10% रहती है। तो यहां पर इनकमिंग वोल्टेज इसी में से कोई एक रहती है जो कि 220 वोल्ट रहती है। 220 वोल्ट जो आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ई में दिया हुआ है और आप यहां पे देखिएगा कट पेस्ट करके डीजीएमएस रिक्वायरमेंट नॉट लेस देन 300 लक्स, जो ऑडियो विजुअल अलार्म होती है वो 300 लक्स से कम नहीं की प्रकाश जनरेट करने वाली रहती है और उसकी जो वोल्टेज होती है ऑपरेट्स आइडियली जो ऑन 24 वोल्ट डीसी पर जो है ऑपरेट होती है। तो 24 वोल्ट डीसी आप ये देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में लगी हुई है। तो ऑडियो विजुअल अलार्म 220/24 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। आपने 81 नंबर का क्वेश्चन को कर लिया। 82 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स इन ए बैटरी सेल इज, तो बैटरी सेल जो रहती है उसके उसमें जो पॉजिटिव प्लेट्स होते हैं जिसको आप एनोड कहते हैं तो उसकी संख्या कितनी रहती है नेगेटिव प्लेट के सापेक्ष में। तो ऑप्शन ए बी सी डी ई आपको दी हुई है, सी नहीं है दी हुई है, मिस कर गए हैं हम, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए कि पॉजिटिव प्लेट्स कितनी रहती है। यहां देखिए मैं एक्सप्लेन किया हूं कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स इन ए बैटरी सेल इज 1 लेस देन द नेगेटिव प्लेट्स, जो नेगेटिव प्लेट्स की संख्या होती है उससे एक जो है कम रहेगी क्या पॉजिटिव प्लेट्स, तो 1 मोर देन नहीं होगी, 1 लेस देन द नेगेटिव प्लेट्स। बी नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो 83 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, आपको स्पष्ट पढ़ाई दे रहा होगा ठीक है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स 83 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, नोटिस टाइम फॉर कमेंसमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन मीथेन शुड बी इन डेज, यानी कि जो आप नोटिस देते हैं चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को कहे के लिए मीथेन एक्सट्रैक्शन
के शुरुआत के लिए, मीथेन एक्सट्रैक्शन कमेंसमेंट के लिए, तो वो नोटिस कितने दिन पहले आपको देनी पड़ती है? देखिए यहाँ पर कट पेस्ट करके रखा हूँ, जिस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 220 का फर्स्ट सब रेगुलेशन कहता है, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन Whenever there is any proposal or intention to commence or start extraction of methane from any coal seam or coal major strata of any working or abandoned mine or part thereof with an objective to exploit the methane or any other gases for captive domestic industrial purpose, the owner agent manager of a mine shall not less than 30 days prior to the date of the start of such extraction work give notice in writing in the form of specified by the chief inspector for the purpose to the chief inspector and the also regional inspector. The regional inspector or chief inspector ko owner agent manager 30 din pehle kaam chalu karne ke 30 din pehle jo methane ka exploit karne ka kaam aap karte hain kahan se कोल सीम से, किसी भी कोल सीम से या कोल मेजर स्ट्राटा से या एबंडोनेड माइन से या उसके किसी भाग से, जिसका उद्देश्य रहता है कैप्टिव बनाना डोमेस्टिक पर्पज या इंटरनेशनल पर्पज के लिए, तो आप उसको सी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहां 84 नंबर में क्या कहता है, फॉलोइंग कोटिंग इज डन विथ बेल्ट सर्फेस टू मेक इट रेजिस्टेंट। यहां पर जो बेल्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, तो बेल्ट के सरफेस के ऊपर जो कोटिंग लगाई जाती है रेजिस्टेंट बनाने के लिए, ताकि हीट और जो अन्य चीज को रेजिस्टेंट कर सके, उसके लिए कौन सी लगाई जाती है? देखिए मैं यहां एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 3 का पेज नंबर 379 का कट ऑफ पेस्ट किया हूं। बेल्ट कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ पीबीसी, पीबीसी का फुल फॉर्म याद रखिए, वोवरमैन के कैंडिडेट्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड इंस्टीड ऑफ रबर, रबर के जगह पर इसकी इस्तेमाल की जाती है, ताकि फायर प्रूफ बनाया जा सके, रेजिस्टेंस फायर के प्रति अधिक रखा जा सके। ओनली सच पीवीसी कोटेड बेल्ट्स हैव टू बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ डीजीएमएस। डीजीएमएस के डायरेक्शन के अनुसार केवल पीवीसी कोटेड बेल्ट को ही अंडरग्राउंड में यूज करने की बात कही गई है डीजीएमएस द्वारा। द पीवीसी बेल्ट इज रेजिस्टेंट टू ग्रीस एंड ऑयल, ये जो पीवीसी बेल्ट होती है वो रेजिस्टेंट होती है, फायर के प्रति तो रहती ही है, साथ ही ग्रीस और ऑयल के प्रति भी रहती है। एक ही इसका डिसएडवांटेज है कि इज दैट इट लो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होती है, जो अनसुटेबल फॉर द स्टीप ग्रेडियंट के लिए होती है, लो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होती है जो स्टीप ग्रेडियंट के लिए सुटेबल नहीं रहती है, रबर कोटिंग वो उसके लिए बेहतर रहती है, लेकिन रबर कोटिंग वाली अंडरग्राउंड में यूज हम नहीं कर सकते। तो पीवीसी 800 जो हो ऑप्शन नाइलॉन कॉटन रबर बेंटोनाइट, तो यहां पर हम लोग पीवीसी 800 को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये 84 नंबर का प्रश्न है। 84 नंबर का प्रश्न आपको जो बैटरी से रिलेटेड है, कई बार पूछा जा चुका है, ये जो बैटरी लेड एसिड बैटरी होती है, इस लेड एसिड बैटरी में बहुत सारे एनोड और कैथोड के प्लेट्स लगे रहते हैं, जिसमें जो है एनोड के प्लेट प्लस वाले रहते हैं और कैथोड के प्लेट्स जो है माइनस वाले रहते हैं। आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि वेंट कैप्स एक लगी रहती है जो गैस रिएक्शन के बाद बाहर निकलती है, जो उसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं, वो इवेंट कैप से ही बाहर निकलती है। तो ये टर्मिनल पोस्ट्स हैं जो कार या फिर हमारे डंपर्स या अन्य जो वाहन हैं वहां पर, या अपने घर में इन्वर्टर है वहां पर यूज होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि विच इलेक्ट्रोलाइट्स इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी, ये प्रश्न कई बार पूछी जा चुकी है कि लेड एसिड बैटरी के साथ यूज होने वाली जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सी है। ऑप्शन ए कहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी कहता है अमोनियम क्लोराइड, सी कहता है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 भी कहते हैं। यहां पर अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl छूट गया है फ्रेंड्स, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बोला जाता है, एल्केलीन सॉल्यूशन नन ऑफ द अबव। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो आपके घर में भी इन्वर्टर में यूज होती है वो H2SO4 होती है, डाइल्यूट H2SO4 जिसको बोलते हैं। तो आप जो है
ये ऑप्शन सी को टिक लगा सकते हैं, जिसके संबंध में मैं कट पेस्ट करके यहां पर रखा हूं। तो ये जो कैथोड होती है वो याद रखिए, इससे प्रश्न आपसे पूछ सकती है कि लेड डाइऑक्साइड जो PbO2 की रॉड रहती है और जो एनोड होती है वो मेटेलिक लेड की होती है। ये दो चीजें आप याद रखिए। तो आप आते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन में, क्या कहता है, द टाइप ऑफ कैपिंग यूज्ड फॉर वाइंडिंग रोप सेल विथ स्टैंड। जो अभी मैं बताया था आपको पिक्चर में कि जो कैपिंग क्या होती है, जो अपने सर में कैप जिस प्रकार से पहनते हैं तो पहनने प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिंग। उसी तरह से रोप जो होती है वाइंडिंग रोप, उस वाइंडिंग रोप में जो हम लोग रोप केपल पहनाने का काम करते हैं उसी प्रोसेस को कैपिंग कहते हैं। तो जैसा पिक्चर में मैं अभी बताया था कि डिटेचिंग प्लेट और डिटेचिंग हुक का फंक्शन क्या होता है, उस संबंध में आप एक प्रश्न और आपके से पूछी जा रही है कि जो रोप कैपल होती है जिसमें हम लोग कैपिंग करने का काम करते हैं, वो कैपिंग जो यूज की जाती है उसकी टाइप किस प्रकार के रहेगी विथ स्टैंड ए लोड, ताकि वो लोड को स्टैंड कर सके। ऑप्शन ए कहता है एटलीस्ट 3 times द मैक्सिमम स्टैटिक लोड, जो मैक्सिमम स्टैटिक लोड होती है उसका कम से कम 3 times होने चाहिए, किसका जो कैपिंग आप कर रहे हैं उसका, एटलीस्ट 10 times द मैक्सिमम स्टैटिक लोड। सी नंबर कहता है 2 times द मैक्सिमम स्टैटिक लोड और डी कहता है 4 times द मैक्सिमम स्टैटिक लोड। तो यहां पर आप कोल माइंस रेगुलेशन जो 85 का 5 है उसमें ये कहा गया है 10 times द मैक्सिमम स्टैटिक लोड, आप ये पढ़ सकते हैं जिसकी कट पेस्ट मैं किया हूं। नो मोड आर टाइप ऑफ कैपिंग सेल बी यूज विच फेल्स टू विथ स्टैंड ए लोड ऑफ एटलीस्ट 10 times द मैक्सिमम स्टैटिक लोड देयर ऑन। तो यहां पर आपकी आंसर आ चुकी है, आपके देखा कि जो है 10 times एटलीस्ट 10 times लोड बियर करने वाली होनी चाहिए मैक्सिमम स्टैटिक लोड का। अगर आपकी जो रोप केपल है वो आप मैक्सिमम 8 ton का मान के चलिए कि 8 ton का लोड अगर वो बियर कर सकती है तो उसकी जो मैक्सिमम जो बियरिंग कैपेसिटी होगी ब्रेकिंग जिसको कैपेसिटी कहते हैं वो 8 times से अधिक होना चाहिए, यानी कि 8 धाम में 80 ton यानी कि 81 ton रखिए 85 ton रखिए उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जिसको आप कहते हैं, वहां तक वो जो है लोड ले लेने वाला होना चाहिए। लेकिन आप अपने वर्किंग में 8 ton का ही लोड दे रहे हैं, यहां पर एटलीस्ट 10 times द मैक्सिमम स्टैटिक लोड, ये आप याद रखिएगा। यहां पर इसी रेगुलेशन सब रेगुलेशन का जो डी नंबर है उसको पढ़ लीजिए, इस पर जरूर एक प्रश्न आपसे पूछी जाएगी, वर्किंग में भी पूछी जाती है फर्स्ट क्लास के वर्किंग के पेपर में। वेयर व्हाइट मेटल इज यूज इन कैपिंग ऑफ रोप्स, जहां पर हम कैप्स के रोप के कैपिंग के लिए व्हाइट मेटल का यूज करते हैं, बाजार में जो व्हाइट मेटल मिलती है, द टेपर्ड पोर्शन ऑफ द सॉकेट, हमारा जो सॉकेट रहता है कोन जैसा रहता है जिसका जो टेपर्ड पोर्शन जो रहती है सॉकेट की, सेल नॉट बी लेस देन 6.5 times द डायमीटर ऑफ द रोप, जो रोप का जो 6.5 times से कम नहीं होगी, 6.5 गुना से कम नहीं होगी। ये फर्स्ट क्लास के वर्किंग में प्रश्न पूछ सकती है, साथ ही सेकंड क्लास के मशीनरी रजिस्ट्रेशन में भी पूछ सकती है। तो यहां पर जो 6.5 गुने से कम नहीं होनी चाहिए, पहली चीज तो किसका, सॉकेट का, जो आप रोप के पल में सॉकेट यूज करते हो रोप के डायमीटर का, और अगर 26 mm तक है तभी, लेकिन अगर 26 mm से अधिक है रोप का डायमीटर तो उस केस में 7.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए, किसका, रोप के पल के सॉकेट का, जिसकी आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है। तो यहां पर जो है आपने देख लिया डी नंबर का सब रेगुलेशन। एक और कहता है कि इफ व्हाइट मेटल इज यूज्ड इन द कैपिंग ऑफ रोप, अगर ये आप कैपल के साथ व्हाइट मेटल का यूज करते हैं, इट्स मेल्टिंग पॉइंट शैल नॉट बी एक्सीड 300°C, तो उस व्हाइट मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो 300°C से अधिक नहीं होगी। बाजार में आप खरीदने जाते हैं व्हाइट मेटल तो वो आप मेंशन की हुई रहती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उसके कवर पर जरूर रीड कर लिया कीजिए, तो 300°C से अधिक नहीं होगी। और साथ ही कहते हैं एंड इट्स टेम्परेचर व्हेन पोर्ड इनटू द सॉकेट, जब आप उसके सॉकेट में उसको गला करके डालते हैं तो उसकी
टेम्परेचर, गला हुआ टेम्परेचर से 366 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 300 से तो अधिक करिएगा तभी गलेगा, तो 360 डिग्री से अधिक सेंटीग्रेड नहीं होनी चाहिए। एक और यहां सब रेगुलेशन कहता है कि द सॉकेट सेल बी हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर द व्हाइट मेटल इज पोर्ड। जब व्हाइट मेटल को आप पोर्ड करते हैं, बर्तन को आप गर्म करते हैं तवा पर, जो रोटी सेकने का काम करते हैं, तो तवा पर रोटी तभी डालिए जब तवा का टेम्परेचर 100 डिग्री से अधिक हो जाए, तभी जो है यानी कि आप जो सॉकेट है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से अधिक होने पर ही जो व्हाइट मेटल जो आप गर्म किया अलग एक बर्तन में, जिसको आप कलछुल भी कहते हैं, कलछुल में आप व्हाइट मेटल को गर्म करते हैं और उसकी टेम्परेचर 300 डिग्री से अधिक तो करनी ही है, तभी वो मेल्ट होगी और 363 डिग्री पर वो से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन तो फ्रेंड्स यहां पर 87 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द केज फ्रॉम फॉलिंग बैक इन द शाफ्ट ड्यूरिंग ओवरवाइंड। ओवरवाइंड से के दौरान जो शाफ्ट में फॉलिंग होने से जो केज को बचाती है वो कौन सी है? अभी अभी हमने देखा है सेफ्टी कैचेज, उसको बोला जाता है, डिटेचिंग हुक नहीं, सेफ्टी हुक बोला जाता है उसी को, सेफ्टी कैचेज ही आंसर बी को टिक लगा के आप बढ़ सकते हैं, जिसकी मैं क्लियर आपको वीडियो स्टार्ट के दौरान ही कर चुका हूं। यहां पर 88 नंबर में कहता है इज नॉट इंट्रिंसिकली सेफ, इनमें से कौन है इंट्रिंसिकली सेफ नहीं है? तो बेल है, सिग्नलिंग वायर है, टेलीफोन वायर इंट्रिंसिकली सेफ होती है, रिमोट कंट्रोल भी है, कोल ड्रिल नहीं है, ये हैंडहेल्ड पोर्टेबल अपरेटस होती है जो 125 वोल्ट पर काम करती है। तो इंट्रिंसिकली सेफ की पहले भी परिभाषा बता चुका हूं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर सिग्नलिंग बेल, टेलीकॉम सर्किट, सिग्नलिंग सर्किट, रिमोट कंट्रोल सर्किट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, टेलीमीटरिंग सिस्टम, टाइम सर्विस सर्विस, टेलीफोन एक्सपोर्टर, स्ट्रेसर जो है इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट होते हैं। 89 में देखिए यहाँ पे फीडर ब्रेकर कहता है कि फीडर ब्रेकर क्या होती है? तो फीडर ब्रेकर जो कंटिन्यूअस माइनर माइनिंग में एक इक्विपमेंट है जिस जो कोल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जिसके ऊपर शटल कार कोयला को डालती है, ये कोयले को उपयुक्त साइज में कन्वर्ट करती है और फिर जो है बेल्ट कन्वेयर को देती है। तो फीडर ब्रेकर ये जो है क्या है, लोड्स कोल करती है, कोल को लोड करती ही है, लेकिन लोड कोल और ब्रेकिंग भी करती है, लोड ब्रेक्स एंड ट्रांसफर द कोल। तो सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप इसके संबंध में आप एक्सप्लेन कंटिन्यूस माइनर की जो हमारी वीडियो है उसको देखकर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर कहता है, देखिए क्वेश्चन यहां पर, विच रिले इज यूज टू डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल फॉल्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को पता करने और उसको ठीक करने का रक्षा करने का कौन सा रिले काम करता है? तो यहां पर बुचोल्ज रिले ही है, डायरेक्शनल रिले नहीं है, थर्मल रिले नहीं है, डिस्टेंस रिले नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो बुचोल्ज रिले इज द गैस एक्टुएटेड रिले एंड इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर अगेंस्ट द इंटरनल फॉल्ट। आप इसको लगा सकते हैं। तो मिसा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर चुके होंगे और साथ ही जो है नए कैंडिडेट हैं तो बेल का आइकन जरूर दबा लिए होंगे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और एग्जामिनेशन की तैयारी को आप मिसा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो की सीरीज है उसको देख करके आप पक्का कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को पास करके सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं, साथ ही डीजीएमएस और गेट के जो एग्जामिनेशन है उसको पास करके अपने सर्टिफिकेट को गेन कर सकते हैं, जॉब को पा सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप ये बिचोल